नमस्कार दोस्तों, हम राम कैलाश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में लोग जो है गाय पालन करना बंद कर रहे हैं, यानी बंद भी लोग कर दिए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, दोस्तों बताने से पहले ये कहूँगा आप लोग चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मन कोई सवाल सुझाए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों आपको कमेंट हम देखते नहीं, देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम वीडियो बनाकर देते हैं, और अगर छोटा उसका आंसर होता है तो हम रिप्लाई भी कर देते हैं। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हम यही बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारी मात्रा में जो किसान भाई हैं गाय पालन करना बंद कर रहे हैं, कितने बंद भी कर दिए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या ऐसा आ गया कि लोग गाय से अपना जो है द्वार यानी घर खाली कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न यही देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले नंबर तो बछड़े जो हैं, बछड़े की कोई कीमत नहीं। अगर उसने बछड़ा कर दिया तो कोई बछड़े को पूछने वाला है नहीं। फ्री में अगर आप दे रहे हो तो भी कोई नहीं ले जाएगा। अगर आप 100 रुपया दे दो कि भाई ले जाए इसे कहीं अपना रख, तो भी कोई नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा रीज़न देखने को मिलता है वो ये है कि जो गाय हो, कोई भी नस्ल की गाय हो, एचएफ हो, साहीवाल हो, या जो है देसी हो या जर्सी हो, कोई भी गाय हो, उन गायों का तभी यहाँ पर कीमत देखने को मिल रहा है। लोग रुचि दिखा रहे हैं जब तक वो गाय दूध दे रही है। अगर वो दूध देना बंद कर दिया तो उसका रुचि ख़त्म। कितने लोग ऐसा भी कर रहे हैं, उन्हें छोड़ आ रहे हैं, दूर ले जाकर छोड़ रहे हैं, कोई गाड़ी पर रख करके कहीं और ज़्यादा दूर छोड़ दे रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये भी रीज़न है कि जो दूध नहीं दे रही हैं गाय, उनका कीमत है नहीं, कोई ले भी नहीं रहा है। जो लेते भी हैं वो गाभिन गाय ले रहे हैं, बच्चा करने वाली है या बच्चा कर दिया है तभी ले रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा है। तो इसके डर से लोग जो है गाय पालन करना बंद कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ गाय पालन बंद हो गया है। मान लीजिए अभी 25% गाय पालन है यहाँ पे। बहुत कम ही आपको गाय उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी, और ज़्यादा संख्या में तो आपको खेतों में छुटी हुई देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज़्यादा संख्या में है। कहीं 20 हैं, कहीं 15 है, कहीं 18 है, हर गांव आपको 10-15 दिखेंगी। तो ये सब वही किसान भाई छोड़ देते हैं, बछड़े कोई कीमत है नहीं, वो लोग छोड़ देते हैं, चला जाते हैं सब। गाय के भी ऐसा छोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए रुचि ख़त्म हो जा रही किसानों की कि हम इसको पालन करके क्या करेंगे, बछड़ा कोई कीमत है नहीं। लोग अभी भैंसों में रुचि दिखा रहे हैं। भैंस में रुचि इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भैंस का जो है अगर वो पाड़ा आ गया तो भी उसका कीमत मिल जाता है, बिक जाता है। पणिया आ गई तो भी लोग ले लेते हैं, बिक जाता है। भैंस अगर दूध देना बंद किया है तो भी उसका कीमत मिल जाता है। और गाय के बच्चे की बात किया जाए, बछिया है तो भी कोई फ्री में नहीं लेगा, बछड़ा है तो भी कोई मुफ्त में नहीं लेगा। अगर दूध देना बंद कर दिया है गाय तो आप पैसे भी दोगे कि लो 100-200 रुपये ले लो, तो भी कोई गाय नहीं ले जाएगा, कितनी भी अच्छी नस्ल हो। तो दोस्तों यही कारण सब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश से गाय का पालन कम होता जा रहा है, लोग रुचि ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम फिर हमारे को अच्छे से वीडियो अपलोड होगा। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।